बच्चों आज हम एसी जनरेटर अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के देखिए इसमें चार भाग है। एक चुंबकीय क्षेत्र बी जो नॉर्थ और साउथ पोल से होता है, दूसरा आर्मेचर कॉइल, तीसरा रिंग, ठीक है स्लिप रिंग, ठीक, और फोर्थ होता है आपके पास ब्रशेस। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, एसी जनरेटर के चार भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता हमारे पास क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी, ये काय से उत्पन्न होता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, के ध्रुव होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। दूसरा आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी। तीसरा जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग्स। ये डायग्राम में सी वन एंड सी टू, ठीक है, ये धातु के बने रहते हैं। चौथा है ब्रशेस, ठीक, ये है आपके पास बी वन एंड बी टू, ठीक है, ये चार पार्ट यहां पर होते हैं। अब क्या होता है, ये कॉइल ए बी सी डी कोणीय वेग यहां से ओमेगा से घूम रही है। जब ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहां से कहां तक होती है, नॉर्थ से साउथ पोल के साइड होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में ये कॉइल घूमती है तो इससे फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है, और मार्ग बाएं वाले परिपथ में धारा यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से ब्रश के सहारे लोड रेजिस्टेंस के यहाँ पर प्रवाहित होने लगती है। जब ये अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है, ऐसा घूम के जाती है, तो ये क्या है ए बी, ये आपके पास यहाँ पर दिस इज, ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, ये अपना स्थान बदल लेते हैं, ए बी सी डी की जगह और सी डी ए बी की जगह आ जाता है। इसमें से फिर से यहाँ पर धारा इंड्यूस होती है, और धारा यहाँ पर अब बाएं परिपथ में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो एक बार धारा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके लगातार प्रवाहित होने लगती है। इस पूरे के पूरे धारा को या वोल्टेज जो यहाँ पर उत्पन्न होता है, चूंकि इसका मान, धारा का मान लगातार परिवर्तित होता है, इसलिए इसको हम एसी जनरेटर कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जब कुंडली ए बी सी डी से बद्ध चुंबकी फ्लक्स के मान में
परिवर्तन होता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण लोड प्रतिरोध के अक्रॉस धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए, मान लो ये कैसा हो गया फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कितने के इक्वल है, फाई। फाई इक्वल टू कितना है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। आपको मालूम है कि जैसे ही फ्लक्स परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ है वो E बराबर कितना जाता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल आता है। इसलिए E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, फाई इक्वल टू कितना आ गया, एन ए बी कॉस ओमेगा टी। तो E इक्वल टू कितना आ गया, एन डी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एन ए बी ओमेगा, मेरे पास साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का ये कितना हो गया साइन ओमेगा टी। एन ए बी ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला ई नॉट के इक्वल होता है, चूंकि एन बी ए ओमेगा इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ क्योंकि साइन की साइन ओमेगा टी प्लस वन के मान के बराबर होगा, तो एन ए बी ई नॉट के इक्वल होगा। इसलिए ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए आई बराबर, इसलिए धारा आई इक्वल टू ई अपॉन आर। आई इक्वल टू ई कितने के इक्वल है, E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा T। E नॉट अपॉन R I नॉट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि V अपॉन R I के इक्वल होता है, तो ये I नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये धारा के मान के बराबर आ जाएगा। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को मैं कैसे शो करने लगता हूँ, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बना के देखूँ, देखिए ये हो गया आपके पास ओमेगा टी, ये हो गया आपके पास आई जीरो, तो साइन जीरो, जब ओमेगा टी टी बाई फोर, साइन टी बाई फोर यानी साइन नाइन्टी यानी वन, तो ये हो जाएगा आई नॉट। जब ये टी बाई टू रहेगा तो साइन ओमेगा टी, यहां पर दिस इज टी बाई टू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन 180, साइन 180 यानी जीरो। फिर थ्री टी बाई फोर, तो साइन थ्री टी बाई फोर इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट साइन टी, यानी कितना हो गया 360 यानी जीरो के मान के बराबर। तो जो प्रत्यावर्ती धारा हमारे पास प्रवाहित होती है
उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है और उसको हम ऐसा लिख देते हैं, 2 T/4 T/2 3 T/4, और ये कितना आ गया T, और ये धारा का मान यहाँ पर आएगा देखिए 0 T/4 पर I0, T/2 पे 0, 3/2 पे माइनस I0, और ऐसा करते करते धारा प्रवाहित होती है। चूंकि धारा की दिशा और परिणाम लगातार बदल रहा है, इसलिए ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।